अरे अरे, आप कष्ट ना करें महाराज, आइए जाइए। आइए। समस्या विकट रामा प्रकट, समस्या विकट रामा प्रकट। ये किस लिए? आज्ञा दे महाराज। चलिए भाई। अरे 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 अरे, अरे ये क्या कर रहे हैं पंडित रामकृष्ण, पालकी में बैठ गए? बादाम खाया कीजिए पंडित रामकृष्ण, स्मरण शक्ति बढ़ेगी आपकी। इतना शीघ्र आप भूल गए कि आपको नंगे पांव पैदल चलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक जाना है। हाँ हाँ पंडित रामकृष्ण जी, अन्यथा देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। एक खजाने का प्रश्न है। देवी माँ क्रोधित नहीं होंगी, क्योंकि मैं तो वही कर रहा हूँ जो उन्होंने करने के लिए कहा है। पंडित रामकृष्ण, हम कुछ समझ नहीं पाए आप क्या कह रहे हैं। समझे तो हम भी नहीं महाराज। देवी माँ ने कब कहा कि आपको पालकी में बैठकर मंदिर जाना है भोग लगाने? तो देवी माँ ने ये भी कब कहा कि मैं नंगे पैर पैदल चलकर देवी माँ को भोग लगाने जाऊं? धनी मनी बताओ, देवी माँ ने क्या कहा था तुम दोनों से? यही कि आप 30 शेर बोझ उठाकर नंगे पांव भरी धूप में देवी माँ के मंदिर की 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए भोग लगाएं। हाँ, और वही तो कर रहा हूँ। ये देखो, 30 शेर भोग अपने सर पे रख कर नंगे पांव मंदिर जा रहा हूँ, और 100 सीढ़ियां भी चढ़ूंगा। अब पालकी से जाऊं या घोड़ा गाड़ी से जाऊं, क्या फर्क पड़ता है? क्यों महाराज? पंडित रामकृष्ण, कथन तो आपका तर्क संगत है। क्यों गुरुवर जी? अब अनुमति दे महाराज, देवी माँ के दरबार में हाजिरी लगाने में विलंब ना हो जाए। चलो भाई उठाओ, बोलो देवी माँ की जय। एक क्षण एक क्षण, गुरुवर आप भी चलिए। हम क्यों चलें? अरे देवी माँ के मंदिर में भोग है और विजयनगर का राजगुरु अनुष्ठान ना करे, ये कैसे संभव हो सकता है? चलिए चलिए, आप भी चलिए, और हाँ पैदल चलिएगा ये पादुकाएं उतार कर। हाँ गुरुवर, पंडित रामकृष्ण उचित कह रहे हैं। जी महाराज। गुरुजी, गुरुजी, चलो पादुकाएं तो उतार दीजिए, मंदिर जा रहे हैं ना। चलो भाई। शत्रु मर्दिनी अष्टभुजा माता की जय। चलो देवी माँ की जय। 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 बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मनी, बहुत अच्छे। चलो धनी उठाओ उठाओ। आ
क्षमा नहीं करूंगा। इतना भारी कुंड तूने मेरे ऊपर रख दिया, इसके भार के नीचे दबकर प्राण ही निकल गए मेरे। अरे आप लोग आ गए। वो क्या है कि आज मुझे निद्रा बहुत आ रही है, किंतु मैं फिर भी आपसे पहेली अवश्य पूछूंगा, क्योंकि आपसे पहेली पूछने में मुझे बड़ा ही आनंद आता है। तो तैयार रहिए आज की पहेली सुनने के लिए। आज की पहेली है, काली काली एक चुनरिया, जिसमें जगमग जगमग मोती लगे, आज सजती धरती के ऊपर, जब सारी दुनिया सोती रहे। इसका उत्तर मैं धारावाहिक और अपनी निद्रा पूर्ण होने के पश्चात दूंगा, तब तक सोचिए। प्राण निकल गए हमारे। हे भगवान, अग्नि समान जलती भूमि पर नंगे पांव चलकर पांव जल गए हमारे। हाय। चलिए ये अच्छा हुआ कि आपसे कोई चूक नहीं हुई गुरुवर। देवी माँ आपसे अत्यंत प्रसन्न हो गई होंगी। अरे अब नीचे उतरिए, अनुष्ठान कीजिए, ताकि मैं शीघ्र ही भोग चढ़ा सकूं। महादृष्टे बड़ो, पूरे मार्ग हम दोनों अपनी गोद में उठा के लाए इसको। अभी ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पैदल चल कर आया हूँ। पुट्ठा, मैं जानता हूँ ये कृत्य आप नहीं करवा सकती, पर फिर भी यदि आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना है तो अवश्य इसमें भी कोई गहरा भेद होगा। अपनी कृपा दृष्टि मेरे विजयनगर पर सदैव बनाए रखिएगा माँ। देवी माखी जय। चलिए, देवी मां को भोग भी लग गया और देवी मां की पूजा भी संपन्न हो गई। अब हम चलते हैं। एक क्षण महाराज, खजाना यही कहीं होना चाहिए। महाराज, मेरे विचार से हमें चलना चाहिए। रुकिए 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 पंडित रामकृष्ण, रुकिए। देवी माँ ने कहा था भोग लग गया तो वो खजाना देंगी, किंतु अब तक कोई खजाना प्राप्त नहीं हुआ। इसका एक ही अर्थ हुआ महाराज कि पंडित रामकृष्ण ने यहाँ नंगे पांव पैदल आने के स्थान पर पालकी का प्रयोग किया, जिससे देवी माँ अत्यंत क्रोधित हो गई और इसी क्रोध के कारण। इसका एक अर्थ और भी निकलता है गुरुवर, कि धनी मनी द्वारा देवी माँ का आदेश समझने में और उसे हम सबको समझाने में धनी मनी से कोई भूल हुई। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु देवी माँ ने हमको ही नहीं और लोगों को भी दर्शन दिए हैं और सबसे यही बात कही है। हमारी दृष्टि में पंडित रामकृष्णा ने देवी माँ की इच्छा को पूर्ण किया है। अब आशा करते हैं कि देवी माँ अपना वचन पूर्ण करें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि परिणाम क्या होगा। खजाना। देवी माँ, हे देवी माँ, आपने जो कहने के लिए कहा हमने सबसे वही कहा। हाँ देवी माँ, आपके होते हुए लोग हमें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। आप ही कुछ कीजिए देवी माँ, आप ही कुछ कीजिए।
ये क्या नया नाटक है तुम दोनों का? अम्मा तुम लंगड़ी खेल रही हो? इस आयु में लंगड़ी खेलोगी हड्डी टूट जाएगी। और तुम दोनों को गृह कार्य करने नहीं क्या आज? घर के सारे कार्य हो चुके हैं, अतः हमारे तपस्या में कोई विघ्न मत डाल। तपस्या? ये कौन सा नया उपहास है तपस्या? उपहास नहीं, प्रयत्न है। विजयनगर में देवी माँ दर्शन और खजाना दे रही है, अतः अम्मा और हम तपस्या करके देवी माँ के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए प्रातःकाल उठकर हमने घर के सारे कार्य कर लिए। सारा काम कर लिया प्रातःकाल ही? झाड़ू, चौका, बर्तन, कपड़े, सारे कार्य ऐसे पलक झपकते हो गए। आपको तो हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। नहीं नहीं सच, इतने सारे कार्य इतने कम समय में कर दिए तो प्रशंसा करना तो बनता है। हाँ एक क्षण, सौदामिनी, ओ सौदामिनी। सौदामिनी को क्यों बुला रहा है? बताओ अम्मा। सौदामिनी जी। गुरुवर। सौदामिनी आज प्रातः काल से घर के कितने सारे कार्य किए? चूल्हा, बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े धोके सुखा दिए, जल भी भर लाए। बस, और... बस 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 समझ गया समझ गया। तुम्हारी इस कार्य कुशलता के लिए मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ और तुम्हारी प्रशंसा भी करता हूँ। अब जा। जी धन्यवाद। नृत्य क्या कर रहा है? अब दरबार जाने में विलंब नहीं हो रहा। भोजन खा और जा, मैं माँ को बुलाने दे। रामा घोर तपस्या कर रही है ये दोनों। अब सोच कहीं प्रसन्न हो गए, इन्हें सच में देवी माँ ने दर्शन दे दिया और पुनः तुझे कोई कार्य दे दिया तो क्या करेगा? जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ, जय। मणि ये तो शुद्ध स्वर है। जय शिव शंभु। ये बुढ़ो कहां से आ गए? हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी, आप यहाँ पर? गधो क्या सोचा था तुम दोनों ने, ये खजाना अकेले ही डकार जाओगे? खजाना? गुरुजी आपको कैसे पता चला यहाँ खजाना है? ये तो केवल हम दोनों को देवी माँ ने बताया था। उससे पूर्व हमें भगवान शिव ने बता दिया। अरे छोड़िए गुरुजी, हम दोनों को पता है कि आपको कोई शिवजी दर्शन वर्शन नहीं देते हैं। है झूठ बोलने। चुप रहो तुम दोनों, चुप। यदि हमारे साथ चतुराई करोगे तो महाराज कहकर तुम्हें दंडित करवाएंगे, समझे? और अब सुनो, तुम दोनों के पास मात्र दो ही मार्ग है। एक, या तो इस खजाने को भूल जाओ, तो हमसे 10% हिस्सा लेकर अपना मुंह बंद रखो। बोलो कौन सा मार्ग चुनोगे? 10%। खजाना प्राप्त हुआ है, ये सूचना अभी पंडित रामाकृष्ण के निवास पे जाकर उनको देते हैं। क्या पता खजाने की बात सुनकर हमारी सौदामिनी भी हमारे पास वापस लौट आए। Thank you.
जोगी जो है तेरा प्रेम रोगी घड़ी मिलन की आई। गुरुवर प्रातः काल यहाँ क्या कर रहे? प्रेम रोगी ये ताक झाक की मुद्रा में क्यों है? ओ भंवरा बनकर पुष्प की खोज में आए हैं। कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज से घर का सारा कार्य तुम ही करोगी। झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन चूल्हा चौका सब तुम ही करोगी। आई बात समझ में? और हाँ मेरी सेवा भी। रोज मेरा सर दबाओगी मेरे चरण दबाओगी ठीक है? चलो जाओ कार्य आरंभ करो। ओ पंडित रामाकृष्णा। क्या क्या है गुरुवर? क्या हो रहा है ये? ये किसे डांट फटकार रहे थे आप? आपसे मतलब? अरे मतलब है तभी तो पूछ रहे हैं। क्या बताऊं गुरुवर, है एक दासी जो घर का कोई कार्य नहीं करती, महा आलसन है। नाम उसका सौदामिनी है। सौदामिनी दासी? नहीं नहीं पंडित रामाकृष्णा, उसे इस प्रकार मत डांटिए। नहीं हमारा कहने का अर्थ ये है कि दास हो या दासी इस प्रकार नहीं डांटना चाहिए। हृदय दुखता है आपका? हाँ, हमारा हृदय क्यों दुखेगा? वही तो दासी का दुखता है। अरे आप रहने दीजिए गुरुवर, मेरा बस चले ना तो मैं उस सौदामिनी को ऐसा दंड दूं, ऐसा दंड दूं, ऐसा दंड दूं कि नहीं 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 पंडित रामाकृष्णा, ऐसा करके पाप के भागीदार मत बनिए आप। अरे दासी भी तो मनुष्य है। कोई बात नहीं हम उसे समझा देंगे। सौदामिनी, आप सौदामिनी देवी को बुलाइए, हम समझाएंगे उसे। उचित है, मैं अभी सौदामिनी को भेजता हूँ, आप समझा दीजिएगा। जाइए जाइए बुला कर लाइए, हम प्यार से समझाएंगे। इसी बहाने सौदामिनी के दर्शन तो होंगे। नेत्र तरस गए सौदू का सुंदर मुखड़ा देखे हूँ। तेरे द्वार खड़ा है ये क्या? क्या नहीं गुरुवर, कौन है? अम्मा है मेरी, आप भली भांति जानते हैं। अरे वो तो हम भी देख रहे हैं कि आपकी अम्मा है, किंतु सौदामिनी के स्थान पर ये अम्मा को क्यों ले आए आप? अरे क्योंकि सौदामिनी कार्य में व्यस्त है। देखिए आपको जो भी समझाना है आप अम्मा को समझा दीजिए कि सौदामिनी को क्या समझाना है, अम्मा सौदामिनी को समझा देगी। नहीं वो सौदामिनी समझदार है, वो समझ जाएंगी। ये क्या समझेंगी? क्या कह रही? कह रही है कि आपके दिमाग में भूसा भरा है, भूसा। हम भूल गए थे ये बुढ़िया विक्षिप्त है। खड़ी खड़ी हमारा मुखमंडल क्या देख रहे हैं आप? हैं? अरे आपके निवास पर राजगुरु तथाचार्य आए हैं, गर्मा गर्म दूध मंगवाइए दासी से। अब इनको दूध भी लाना पड़ेगा। अवश्य गुरुवर, अवश्य। गुरुवर आए हैं, गर्मा गर्म दूध ले आओ। अब तो बाहर अवश्य आएगी सौदामिनी। अब ये क्या है? ये लो गर्मा गर्म दूध है गुरुवर, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अरे आपके घर में दासी है, फिर आपकी अम्मा को आपके पत्नी को कार्य करना पड़ रहा है। दासी कार्य नहीं करती है क्या? इसीलिए तो गुरुवर जब आप आए तो मैं उसे डांट रहा था। अभी इतना डांटा फटकारा है तब जाकर वो कार्य कर रही है। ऐसे आप इतने विचलित क्यों हो रखे हैं? आप कहीं सौदामिनी से मिलने तो नहीं आए? अरे नहीं 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 नहीं, हम तो मात्र आपको सूचित करने आए हैं। वो देवी माँ के खजाने वाली जो बात है वो सिद्ध हो गई है और ये 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 ये, ये खजाना मिल गया।